एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी लगभग 8:30 हो रहे हैं सुबह के, और मैंने नहा लिया था झाड़ू पोछा करने के बाद पूरे घर में। उसके बाद मैंने यहाँ पे पहले ही मतलब कपड़ा लगा दिया था, मशीन लगा दिया था कपड़े धोने के लिए। तो एक लोट तो धुल गए नहाने से पहले ही, दूसरा लोट यहाँ पर डाला हुआ है, तब तक मैंने नहा लिया है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी दोस्तों, इसलिए मैंने अपने बालों को ऊपर समेट लिया है। और देखिए छत पे आई हूँ तो हवा चलने लगी है, हवा चल रही है, लगता है बारिश होगी या क्या पता नहीं। लेकिन कपड़े तो मेरे ड्राई हो गए थे मशीन में ही, तो ज़रा सी हवा में सूख जाएंगे। बहुत अच्छी हवा चलने लगी है, सुबह में बहुत गर्मी थी और अभी 9 बज रहे होंगे तो अभी हवा चल रही है, पता नहीं बारिश होगी या नहीं। फिलहाल मैं सारे कपड़ों को यहाँ फैला देती हूँ। तो मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया है क्योंकि काम ही ज़्यादा थे, और जैसा आप लोग को पता है कि छोटे बच्चे तो हैं नहीं मेरे घर में कि खाने के लिए जिद करेंगे। तो पहले मैंने सोचा कि ये सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही नीचे जाऊँगी। और ऊपर इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना कि जाने का मन ही नहीं कर रहा था नीचे। मतलब फर्स्ट फ्लोर पर तो हवा अच्छी लगती है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर नीचे ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। फिलहाल मैं आ गई हूँ नीचे और अभी थोड़ा सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बनाते बनाते मतलब जो मैं नहाई थी ना वो सब बेकार हो गया था नीचे, पता नहीं क्यों गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, एकदम पसीने से तर बतर हो गई थी यही नाश्ता बनाते बनाते। तो नाश्ते में यही पराठे और सब्जी बनाई है, आलू कुंदरी की और आम की चटनी है, साग है। तो देखिए अभी मौसम तुरंत थोड़ी देर के बाद लगभग 12 बज रहे होंगे, मतलब धूप हो गई थी, हवा तो चल ही रही थी लेकिन धूप हो गई थी। और अभी हो गई है शाम, थोड़ा समय छत पे आई हूँ टहलने के लिए क्योंकि मौसम बहुत अच्छा किए हुए थे। हल्का सा दोपहर में तो धूप हुआ, मतलब उसके बाद शाम में फिर मौसम अच्छा कर दिया था। तो थोड़ा बहुत घूमने के बाद आज बना रही हूँ मैं फिर से ओवन में लिट्टी, क्योंकि विकास आया है और विकास को लिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ आलू बैंगन टमाटर को मैंने कुकर में उबाल लिया था, उसके बाद उसमें तड़का लगाया है कढ़ाई में भून के, और हमारा जो है डिनर तैयार है। बहुत लोगों को लिट्टी चोखा पसंद है, मुझे पता है बिहार की फेमस रेसिपी है, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और जब भी विकास आता है तो उसकी डिमांड लिट्टी चोखा की ही रहती है, इसीलिए मैंने बनाया है। सुबह की थोड़ी सी सब्जी बची हुई थी वो भी ले लिया है साथ में। और ये है नेक्स्ट डे दोस्तों, तो आज मैंने डाला है ये देखिए उड़द की दाल, ये मैंने मार्केट से मंगवाया था क्योंकि मेरे यहाँ उड़द नहीं होती, मूंग होता है लेकिन उड़द नहीं होती। तो यहाँ पे रात को ही मैंने डाल दिया था, अब इसको छान लिया है पानी से। यहाँ पे हींग थोड़ा सा मैं डाल लेती हूँ, हींग में थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि इसको हम बड़ी में यूज़ करेंगे, तो थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ देती हूँ। जब तक दाल को पीसूंगी ना तब तक हींग फूल जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए सारे दाल को मैंने मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया है और छत पे लेके चली आई हूँ। जो हींग मैंने पीसा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया, उसके अलावा मैंने इसमें कोई भी मसाले नहीं डाले हैं। इसमें अब मसाले पड़ते हैं, आपकी मर्ज़ी के अनुसार डाल सकते हैं। जैसे कि पिछले बार मैंने मूंग की दाल में अदरक मिर्च डाला था, नमक भी उसमें डाला था हल्का सा, लेकिन इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला हींग के अलावा। और उसको बहुत अच्छे से 10 मिनट तक फेंटा है हाथों से, देखिए बड़ी पानी में डाल के देखने पर एकदम ऊपर तैर रहा है ना, मतलब हमारी जो फेंटी हुई दाल है वो बड़ी बनाने के लिए तैयार हो गया है। इससे हल्का हो जाता है फेंटने से, और बड़ी जब आप पकाते हैं ना तो बहुत अच्छे से सूख जाती है। तो अभी देखिए आज भी मौसम कुछ अच्छा नहीं किए हुए है, लेकिन मैंने बड़ी डाल रखी थी तो उसको बनाना भी ज़रूरी था। तो इसी तरह से हाथों से मैं तोड़ लेती हूँ छोटे छोटे, आप चाहें तो बड़े छोटे अपने मन मुताबिक बढ़िया बना सकते हैं। मार्केट से लाते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसमें चावल वगैरह मिला होता अच्छा नहीं होता, लेकिन ये घर का शुद्ध हो जाएगा। फिलहाल अभी दोपहर हो गई है और आज मेरी मनपसंद का फल आया है तरबूज, क्योंकि तरबूज के लिए मैं बहुत दिनों से कह रही थी इनसे, तो तरबूज के साथ ककड़ी भी है, आ जाइए आप सब खाने के लिए। दोपहर में ये सब चीज़ें खाने में अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी सी। तो थोड़ा सा मैंने इसको फ्रिज में भी रखा हुआ था क्योंकि ये सुबह ही लाए थे, बस अभी काट के सबको दे दिया और खुद भी खा रही हूँ। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, साथ ही इस वीडियो का एंड भी करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।